जीते रहो बेटा। आंटी कहाँ रहती हैं आप? मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी, तुम्हें तकलीफ होगी। तकलीफ वाली कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है, आप तकल्लुफ ना करें। बताएं कहाँ रहती हैं? बस यही अगली गली में। अच्छा, आप शायद नहीं आई हैं इस मोहल्ले में, पहले कभी देखा नहीं आपको? हाँ, हमें एक ही हफ्ता हुआ है आए हुए। अच्छा, और तुम कहाँ रहते हो? आंटी वो अगली गली में, आपके साथ वाली गली में। अच्छा अच्छा, कब से रह रहे हो यहाँ? मैं तो बचपन से ही रह रहा हूँ। अरे वाह माशाल्लाह, लाओ मैं लेगी। नहीं आंटी, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आ जाएं आप। शुक्रिया, आओ बेटा। नहीं आंटी, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, कुछ चाय पानी पी कर जाओ बेटा। आंटी मुझे जरूरी काम है, मुझे जाना है। 5-10 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, बुरा लगता है। आओ शाबाश अंदर आओ। आओ बेटा। आओ यहीं पे रख दो बेटा टोकरी, तुम आओ बैठो। अलीजे, अलीजे बेटा, बेटा ये हमारे पड़ोसी हैं, असल में मेरे हाथ से सब्जी की टोकरी गिर गई तो वो यहाँ तक मुझे पहुंचाने आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बेटी अलीजे है। अरे इतनी बातें कर ली और बेटा मैं नाम ही पूछना भूल गई आपका। रमीज। माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है। एक गिलास पानी मिल जाएगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ बेटा पानी ला के दो, और बल्कि एक पहली चाय भी बना के लाओ, बहुत अच्छी चाय बनाती है मेरी बेटी। अम्मी तो बस यूं ही तारीफ करती हैं, मैं भी लाई। बेटा तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? जी आंटी मैं इकलौता ही हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, और अब्बू क्या करते हैं तुम्हारे? अब्बू का तो इंतकाल हो चुका है, अम्मी और मैं साथ रहते हैं। बहुत अफसोस हुआ सुन के बेटा, और तुम करते क्या हो? आंटी मैं एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता हूँ, बड़ी अच्छी नौकरी है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आऊंगी बेटा तुम्हारी अम्मी से मिलने जरूर, मेरा सलाम भी देना उनको। जी जी जरूर, ये 2 गली बाद हमारा घर है, 5वां नंबर राइट साइड पर। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया बेटा तुमने यहाँ तक मेरी टोकरी उठा के पहुँचा दिया, और तुम्हें बिला वजह जहमत हुई। थैंक यू। लो बेटा खाना शुरू करो, ठंडा हो रहा है। अम्मी आपको पता हमारे मोहल्ले में ना कुछ नए लोग आए। अपने मोहल्ले में? जी जी, इस 7वाली गली में। अच्छा, लेकिन तुम मुझे क्यों बता रहे हो, इससे पहले तो तुमने कभी ऐसा जिक्र नहीं किया। नहीं वो दरअसल मैं शाहिद से मिलने जा रहा था, तो रास्ते में आंटी की चीजें गिर गई, मैंने उनकी हेल्प की, उसके बाद उनको घर छोड़ने चला गया। बहुत पुरखलूस थी, बहुत दुआएं दे रही थी, और हाँ वो आपको सलाम भी भेजा। वालेकुम अस्सलाम, मैं तो बिला वजह अपने शरीफ बच्चे पर शक कर रही थी। अब शक दूर हो गया ना आपका? हाँ। अच्छा अम्मी वो एड्रेस पूछ रही थी घर का, शायद मिलने आएंगे आपको। 100 बिस्मिल्लाह बेटा, जरूर आए। वैसे नाम क्या उनका? नाम तो मैंने नहीं पूछा। कोई बात नहीं, आएंगी तो अपना तारुफ खुद करवा देंगी। चलो बेटा तुम खाना खत्म करो, मैं चाय का पानी रखती हूँ अपने और तुम्हारे लिए। जी। बेटी का नाम तो मालूम है मगर अम्मी को बता नहीं सकता। क्या बताऊं मैं, बस इस दफा तो मेरा दिल कह रहा है कि ये लड़का काबू में आ जाएगा,
भाई वो खुद ही कह रहा था कि मेरा साथी मकान है 280 गज का और देखने में भी अच्छा खासा है, बस मैं पूछ नहीं पाई कि कमाता कितना है। अगर अच्छा कमाता हुआ ना तो फौरन तुम्हारी शादी का चक्कर चला दूंगी उसके साथ। अगर अम्मी लड़का अगर शादीशुदा या मंगनीशुदा हुआ तो फिर? शादीशुदा तो नहीं है, ये बात पक्की है। और अगर मंगनीशुदा हुआ तो मंगनियों का क्या है, वो तो टूटती ही रहती हैं। बस लड़का अमीर और शरीफ होना चाहिए। शादी तो उसकी तोड़वा के मैं तुम्हारी करवा दूंगी, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। अगर वैसा लड़का मिले भी तो, मिली कहाँ रहा है ऐसा लड़का। अब देखो ये नजर में आया तो है लड़का, पता नहीं काबू आ सकता है कि नहीं। कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन अम्मी इतना अच्छा लड़का, इतने बड़े घर का मालिक, अपने घर में इकलौता, मुझे नहीं लगता अभी तक किसी खूंटे से नहीं बंधा होगा। कह तो तुम ठीक रही हो, पर तुमने एक बात गौर की थी क्या? अरे तुम्हें देखते ही वो तो पत्थर सा बन गया था, नहायत बुद्धू, बल्कि अहमकुल्लजी। और ऐसे अहमक लड़के जो होते हैं ना, उनको काबू करना मुश्किल नहीं होता। ठीक कह रही हैं आप, और मेरे पिछले मंगेतर की तरह शातिर और चालाक बिल्कुल भी नहीं लगा। उस कमबख्त की वजह से तो इतनी बातें खानदान वालों ने मुझे सुनाई है। याद है तुम्हें जब मंगनी टूटी है तुम्हारी, उसकी वजह से क्या क्या मैंने नहीं सुना। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बस उससे कहीं ज्यादा अच्छा लड़का मुझे मिल जाए और मैं तुम्हें ब्याह दूं, ताकि जो बातें कर रहे थे ना लोग, जल के रह जाएं वो। तो ठीक है ना, फिर कल ही चलते हैं उनके घर। बस तो तुम ऐसा करो, एक अच्छा सा सालन बना लेना, ताकि पहली ही मुलाकात में तुम्हारा सुगढ़ापा पता चल जाए उन्हें। हाँ ठीक है, लेकिन अम्मी एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर लड़का अमीर ना निकले ना तो इस बात को वहीं दफना दीजिएगा। अरे हाँ हाँ, और नहीं तो क्या भाई, मुझे अपने बुढ़ापे के बारे में भी तो सोचना है। जितना अमीर मेरा दामाद होगा उतना ही अच्छा हमारा मुस्तकबिल होगा, बस तुम फिक्र मत करो। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। आप? वालेकुम अस्सलाम जी, आप कौन? मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ ताबिंदा। अच्छा अच्छा, वो मेरे बेटे ने जिक्र किया था आप लोगों का, आप आइए ना, अंदर आइए बैठिए। ये आपकी बेटी है? जी ये मेरी बेटी है अलीजे। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहन दुआ कीजिएगा कि इसका नसीब भी इतना ही प्यारा हो। इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं। बहन ये इसने, अलीजे ने अपने हाथ से कोफ्ते आज बनाए थे, तो हमने सोचा आप लोगों के लिए भी लेकर आ जाएं। मुझे आपके बेटे की नेकी और उसकी अच्छी तरबियत याद आ गई। बहुत मेहरबानी है आपकी बहन। अरे नहीं, इसमें मेहरबानी वाली क्या बात है, अब हम आपकी तरफ आ रहे थे, खाली हाथ तो नहीं आ सकते थे ना। अरे बहन नई तो आप आई हैं इस मोहल्ले में, आपकी तवाज़ो करना तो हमारा फर्ज था। कोई ऐसी बात नहीं है साजिदा बहन, अब आना जाना लगा रहेगा तो खातिर तवाज़ो भी कर लीजिएगा। अच्छा सर। अरे बेटा तुम क्यों खड़ी हो, बैठो ना। आप खड़ी हुई हैं तो मैं कैसे बैठ सकती हूँ, आप भी बैठिए ना। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरबियत की है आपने बेटी की। मैं बैठ रही हूँ बेटा, तुम भी बैठो, आओ बैठो। ये बैठ गई मैं बातों बातों में चाय का पूछना ही भूल गई, मैं अभी बना कर लाती हूँ। आंटी आप बैठी ना, मैं लेकर आ जाती हूँ। नहीं बेटा आप मेहमान हो, मैं लेकर आती हूँ चाय। अरे बहन इसको बना लेने दीजिए, ये तो आपकी बेटियों की तरह है ना, वैसे भी हम पड़ोसी हैं और पड़ोसी तो रिश्तेदारों से बढ़ के होते हैं। आप बेटी भी कह रही हैं और गैरियत भी बरत रही हैं, आप किचन में जाएंगी और मैं बैठी रहूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बहुत शुक्रिया बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई तुम्हारे ख्यालात सुनकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वालेकुम अस्सलाम रमीज बेटा, अच्छा हुआ तुमसे भी मुलाकात हो गई। बहन आप बैठिए ना, रमीज बता देगा इसे कि कहाँ रखी है चीनी और पत्ती। हाँ ये ठीक है, रमीज बेटा जरा बता दो इसे कि चीनी पत्ती कहाँ रखी है, जिद कर रही है कि मैं चाय बनाऊंगी। लेकिन अम्मी बेटा तो क्या हर्ज है इसमें, अब रमीज से क्या शर्माना है, तो घर वाली बात है बिल्कुल। हाँ जाओ बेटा जाओ जाओ बेटा, पति चीनी बताओ उसे।
और सुनाइए घर में और कौन कौन है आपके? और चीनी पत्ती? ये पत्ती और चीनी। थैंक यू। वैसे आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। आपको कैसे पता? वो उस दिन पी थी ना आपके घर पे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। बहुत अच्छी हैं आप भी बहुत अच्छे हैं। वो दूध कहाँ रखा है? वो मैं लेकर आता। अम्मी, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे हमारी जरा सी कोशिश से ये दोनों माँ बेटे हमारी मुट्ठी में आ जाएंगे। अरे हाँ, और नहीं तो क्या। माँ बेटे तो दोनों ही मिट्टी के माधु हैं भाई। अगर रिश्तेदार जो हैं या जान पहचान वाले हैं, दोस्त अहबाब जो होते हैं ना, यही शादी ब्याह के मामलात बनवाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि इन दोनों माँ बेटे को अपना गर्विदा करने के लिए हम दोनों ऐसी अच्छी अदाकारी करेंगे, ऐसी अच्छी अदाकारी कि ये किसी के पास जाके सलाह मशवरे ना लें। लेकिन ये सब होगा कैसे? मैं बताती हूँ, तुम इधर बैठो। आ रही हूँ। अरे ताबिंदा बहन, आप खैरियत? अंदर आए? नहीं, बस बहुत जल्दी में हूँ साजदा बहन, मैं अंदर नहीं आ सकती। क्या हुआ? सब खैरियत है ना? बहन, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। वो नवाब शाह से मेरे पास ही आ रहा था मिलने के लिए, मालूम नहीं स्टेशन पे किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। अल्लाह खैर करे। बस आपको एक तकलीफ देनी थी, मैं अलीजे को आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। अस्पताल में न जाने कितनी देर हो जाए, अकेले नहीं छोड़ सकती इसे घर पे। अरे बहन, इसमें तकलीफ की क्या बात है? अलीजे मेरी बेटी है, मेरे पास रहेगी ये। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी, हॉस्पिटल जाके फोन कर दीजिएगा, मामू की खैरियत बताइएगा मुझे। हाँ हाँ बेटा, मैं करूँगी फोन। शुक्रिया बहन। नहीं नहीं, ये तो बड़ी अफसोसनाक खबर बताई आपने। अम्मी, क्या ऐसे बेटे भी होते हैं जो अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं? होते हैं बेटा, इस दुनिया में तरह तरह के बेटे होते हैं। हर बेटा तुम्हारी तरह जिम्मेदार और फरमाबरदार नहीं होता। मुझे तो हैरत इस बात की हो रही है कि उसने अपनी जवान बहन का भी ख्याल नहीं किया, बजाय इसके कि उसका फर्ज अदा करता, उसे लावारिस छोड़ दिया उसने। तौबा है तौबा। और उनके मामू का क्या हुआ? ठीक हो गए और बेटा लेने आए? हाँ, उनका बेटा आकर उन्हें अपने साथ ले गया। अच्छा अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो। नहीं, कुछ नहीं। अलीजे पसंद है तुम्हें? आपको कैसे पता चला? माँ हूँ तुम्हारी, 2 साल से तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक लड़की तलाश की है, तुम्हें दिखाई है, लेकिन तुम्हारी आंखों में आज तक मैंने वो चमक नहीं देखी जो अलीजे के नाम पर तुम्हारी आंखों में मैं देख रही। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, वरना मैं सोच रही थी कि अगर मैं अलीजे को अपनी बहू बनाती हूँ तो हमारे रिश्तेदार बातें बनाएंगे कि कैसी यतीम और मिस्कीन लड़की को अपनी बहू बना लिया मैंने। लेकिन अम्मी, जिंदगी तो मैंने गुजारनी है, रिश्तेदारों को क्या मसला है? लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें अलीजे पसंद नहीं है। पसंद है, बहुत पसंद है। जीते रहो,
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब मैं तुम्हारी खुशियां देखूंगी इंशाल्लाह। चलो बस करो, जाओ सो जाओ जाकर। गुड नाइट, शब खैर बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बस ताबिंदा बहन, मैं बड़े मान से आई हूँ, इनकार नहीं सुनूंगी। अरे बहन, आप जैसे लोग तो नसीब वालों को मिलते हैं, और फिर रमीज तो एक हीरा है, ऐसे लड़के को कौन इनकार कर सकता है। मगर 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 क्या? देखिए, हम बहुत कम हैसियत लोग हैं, और फिर मेरे दोनों हाथ बिल्कुल खाली हैं। बेटी को ब्याहने के लिए कुछ तो चाहिए ही होता है। ये कैसी बात कह दिया आपने? देखिए, मैंने आपको बहन कहा नहीं, दिल से बहन समझा भी है। मेरे लिए तो अलीजे दुनिया की अनमोल दौलत है। आप बस अलीजे मुझे दे दें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी साजदा बहन, कुछ तो चाहिए ही होगा। बस बहन, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, इधर आओ ना, बैठो मेरे पास। मैं जिस तरह से तुम्हें अब बेटी कह रही हूँ ना, इंशाल्लाह इसी तरह सारी जिंदगी से अजीज रखूंगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं रमीज के नाम की अंगूठी पहना दूं इसे। जी बहन, मैं क्या कह सकती हूँ, अलीजे तो बस अब आप ही की बेटी है। बहुत शुक्रिया। चलाओ बेटा। अल्लाह मुबारक करे। मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये किसकी गाड़ी है? कहीं रमीज ने गाड़ी तो नहीं ले ली? हाय अल्लाह, मुझे कितना शौक है कार में घूमने का, और अगर अपनी कार हो तो क्या बात है। माशाल्लाह यार, तुम्हारी तरक्की देख के बहुत खुशी होती है। और मुझे सीरियसली तुम्हें देख के बड़ी खुशी हुई, बहुत हैंडसम हो गए पहले से। नहीं बस ऐसे ही जॉब पे जाते हैं वापस। अलीजे आ जाओ। अलीजे मिलो इनसे, शारिक। यूनिवर्सिटी में हम साथ पढ़ते थे, स्टडी के बाद जनाब इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, और अब देखो खुद का बिजनेस है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अलीजे। अलीजे, तुम्हारी होने वाली भाभी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, रमीश तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। वैसे मुझे तुमसे घिरा है, इनवाइट तो दूर की बात, मुझे बताने के काबिल भी नहीं समझा तुम। यार सच बताऊं, अम्मी ने सादगी से मंगनी की है, किसी को भी नहीं इनवाइट किया, लेकिन शादी पे जरूर इनवाइट करूंगा और तुमने आना है। डेफिनेटली जरूर आऊंगा। वैसे भी मैं अब कराची शिफ्ट हो चुका हूं, क्लिफ्टन में मैंने अपना बैंगलोर लिया है। अरे वाह, बताया ही नहीं, मतलब इस्लामाबाद छोड़ दिया। यू कैन से। अलीजे। हां। आप सर अम्मी को देख लो। जी बिल्कुल। हाय अम्मी, क्या बताऊं, कितना अमीर है, इतना अमीर, इतना अमीर, इतना अमीर कि बात बात पे नोटों की खुशबू आ रही थी। आलीशान गाड़ी, डिफेंस में बंगलो, हो ना हो करोड़पति है करोड़पति, और देखने में भी रमीज से ज्यादा अच्छा है। है तो कमबख्त, पहले कहां मर गया था, पहले मिल जाता तो इसी पर जाल डाल देते। हाँ लेकिन खैर, जाल तो अब भी डाला जा सकता है, बातों बातों में पूछ लिया था मैंने, वो भी गैर शादीशुदा है। क्या बात कर रही हो, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, पर तुम्हारी ये मंगनी तोड़ने पर बातें बहुत बनेंगी। हाँ
और शादी में भी सिर्फ एक ही महीना रह गया है। तुम अपनी माँ को जानती नहीं हो। अरे ताबिंदा, ये दुनिया एक सेकंड में इधर से उधर कर सकती है, तुम एक महीने की बात कर रही हो। हाँ ये तो है, तो फिर क्या करें? सोचने दो मुझे। रमीज की कॉल आ रही है। अरे हाँ तो बात करो, तुम्हें अभी बिगाड़नी नहीं है रमीज से। करो करो उससे बात करो, अभी तो शारिक के बारे में बहुत मालूमात करनी है हमें। करो करो बात करो। हाँ हाँ हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हो रहा है? मैं अम्मी से आपके ही बारे में बात कर रही थी। अच्छा, क्या बात? अम्मी कह रही थी कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा साथी मिला। और तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, मैंने तो बस दिली दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा तो मैं भी करता कि तुम जैसी लड़की मेरी बीवी बनने जा रही है। यकीन करो अलीज़ है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और मैं भी आपको आपसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा, शारिक ने तुम्हें और मुझे कल लंच पे इनवाइट किया। मैं 12 बजे पिक करूँगा तुम्हें, तैयार है ना? ओके, खुदा हाफिज़। अम्मी, शारिक ने कल लंच पे इनवाइट किया है। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। बस अब तुम शारिक की सारी तफसीलात मालूम कर लेना कल। ठीक है, मैं कल की तैयारी करती हूँ, देखती हूँ कौन से कपड़े पहनने। जाओ जाओ। आर यू सीरियस रमीज? नेक्स्ट मंथ तुम्हारी शादी होने जा रही है, कुछ ही दिन रह गए तुम्हारे पास। यार एक्चुअली अम्मी की ख्वाहिश थी कि उनकी बहू जल्द से जल्द घर आ जाए। आंटी की ख्वाहिश थी या तुम्हारी? तुम चाहते होगे तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। आई एम सॉरी भाभी, प्लीज माइंड मत खींचेगा, मैं इसके साथ मजाक मस्ती चलती रहती है। क्यों? हाँ मैं समझ सकती हूँ, आप दोनों जितने बेतकल्लुफ दोस्त हैं तो इतना हंसी मजाक तो बनता है। वैसे बहुत समझदार हैं आप। बाय द वे, तुम मेरी छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम कब शादी कर रहे हो? बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं कब शादी करूंगा? यस, जब मुझे तुम्हारी तरह खूब परी मिलेगी, मैं उसी दिन शादी करूंगा। जी अम्मी, मैं आता हूँ। प्लीज। जी जी। आप इन्हें देखकर बात नहीं कर रही थी या वैसे ही बात नहीं करती? जी मैं क्या बोलूं? Come on, कुछ ही दिनों में आपकी शादी होने जा रही है, इतनी बातें होंगी आपके पास बोलने के लिए। खैर मुझे ये बताएं कि शॉपिंग कर लिया आपने, और वो ब्राइडल ड्रेस कौन से डिजाइनर का लिया? जब दिल ही खुश ना हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब, आप इस शादी से खुश नहीं है क्या? देखिए, हमारे घर आने की लड़कियों से मर्जी कौन पूछता है, और अम्मी मेरी बेवा हैं, बीमार रहती हैं, तो बस वो जल्द से जल्द मेरा फर्ज अदा करना चाहती हैं। रमीज एक शरीफ और मेहनती लड़का है, ऐसी दामाद चाहिए था उनको। लेकिन रमीज से मेरा मिजाज नहीं मिलता, ना ही वो मेरा आइडियल है। पर मैं रिश्ते से इनकार करूं भी तो कैसे? कौन सा मेरे 10 रिश्ते आए हुए हैं? ये बात रमीज जानता है कि आप इस शादी से रजामंद नहीं? नहीं, और मैं उसे बताना भी नहीं चाहती, उसका दिल टूट जाएगा। Come on, I mean, जब इंसान खुद खुश ना हो वो दूसरे को खुश कैसे कर सकता है? आप समझ रही है ना मेरा मतलब? देखिए रमीज आ रहा है, आप प्लीज उसके सामने ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। Of course not. सॉरी गाइस। हो गई आंटी सब? हाँ, शादी की तैयारियों के बारे में पूछ रही थी। खैर क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं, मैं कॉफी एंजॉय कर रहा था।
इतनी खूबसूरत लड़की, वो भी रमीज के साथ? नहीं रमीज, इसे मेरे साथ ना जाए। अलीजे, आप? अलीजे, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन मैं तो रमीज से। हाँ ठीक है, आप चली जाइएगा, लेकिन मुझे आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। आप प्लीज बैठे। देखिए, अच्छा नहीं लगता ना वो। आप आए, मुझे आपसे बात करनी है, फिर आपको डॉक्टर। ठीक है। अम्मी, अम्मी इधर आ जाओ बेटा, कमरे में हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये ले जी, दर्जी से कपड़े ले आया हूं मैं। अच्छा, अलीजे कहाँ हैं? अलीजे तो आज नहीं आई बेटा। नहीं आई? लेकिन दोपहर में तो मेरी बात हुई है उससे, उसने कहा मैं तैयार हो रही हूँ, बस पहुंच रही हूँ। हो सकता है उसका इरादा बदल गया हो, उसे कोई और काम पड़ गया हो। मैं पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बोलो, किस लिए फोन किया था तुमने, क्या बात है? आंटी, वो अम्मी पूछ रही थी, अलीजे ने आना था, वो आई नहीं। हाँ तो मैंने रोक लिया उसे। रोक लिया? खैरियत आंटी, तबीयत तो ठीक है आपकी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैंने अलीजे का रिश्ता कहीं और कर दिया, बस इस रिश्ते को तुम खत्म ही समझो। रिश्ता खत्म समझो? आंटी आप क्या कह रही हैं, ये कोई मजाक नहीं है। सुनो मियां, मुझे भी पता है कि शादी ब्याह मजाक नहीं होता। कह रही हूँ ना, मेरी मर्जी जहां मैं रिश्ता उसका तय करूं, बस तुम शाम को आके मंगनी की अंगूठी ले जाना। हेलो, क्या हुआ बेटा, क्यों क्यों परेशान हो, क्या कह रही था बिंदा? वो आंटी कह रही है कि उन्होंने मेरी और अलीजे की मंगनी खत्म कर दी। क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो, अगर मैं फोन ना काटती तो मेरी जान खाता रहता। और सुनो, तुम भी अपने फोन पे इसका नंबर बंद कर देना, जब तक ये रिश्ते से इनकार वाला मामला ठंडा नहीं हो जाता ना, घर से भी निकलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अम्मी क्या हो गया है, मामला ठंडा हो या ना हो, मुझे तो वैसे ही रुखसत हो जाना है शारिक के साथ। मुझे तो फोन मिलाकर मैं बात करती हूँ। ये लो, उठाए ना, बात तो करें। हेलो। हेलो ताबिंदा बहन, क्या बात हुई, हमसे कोई गलती हो गई? रमीज बता रहा है कि आपने मंगनी खत्म कर दी है। अरे भाई, कोई नाराजगी नहीं है और ना ही मुझे कोई शिकायत है आपसे, बस मैंने अपनी बच्ची का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। और आप फिक्र मत कीजिए, सारा सामान आपको वापस मिल जाएगा। अरे ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? क्यों नहीं कर सकती, मेरी मर्जी, मेरी बच्ची है भाई, जहाँ मेरा दिल चाहेगा मैं रिश्ता तय करूंगी। जी हाँ, वो तो कर सकती हैं, लेकिन कसूर तो बताएं हमारा। आपका कोई कसूर नहीं है बीबी, कसूर तो मेरा है जो मैंने जल्दबाजी की। बस आपसे कह दिया ना कि मेरी बच्ची का रिश्ता कहीं और तय हो गया, अब आप इस रिश्ते को खत्म ही समझिए। और हाँ, बार बार फोन हमें करके परेशान मत कीजिएगा। आप अपने होश में तो हैं बहन? क्या मतलब है आपका, मैं आपको पागल लग रही हूँ क्या? आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि अगर आप लोगों को किसी की तरफ से कोई प्रेशर, कोई परेशानी है तो बताएं मुझे। अरे बीबी, कोई प्रेशर नहीं है, कोई मसला नहीं है, बस मैंने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। और वो अलीजे, वो रह पाएगी रमीज के बगैर? मेरा ख्याल में तो जवान औलाद पर इतनी जबरदस्ती ठीक नहीं है। और वो बच्ची तो? अरे भाई, मेरी बच्ची बालिग है, जो मैं कहूंगी वो मेरी बात मानेगी। आपको समझ में नहीं आ रहा शायद, सामने बैठी आप खुद ही बात कर लीजिए। तौबा है। हेलो। हेलो, हाँ अलीजे, बेटा ये क्या हो गया अचानक तुम्हारी अम्मी को, ये कैसी बातें करने लगी हैं? अचानक नहीं आंटी,
अम्मी तो काफी दिनों से ये रिश्ता खत्म करना चाह रही थी, लिहाजा आज खत्म कर दिया। लेकिन क्यों बेटा, वही तो पूछ रही हूँ। और तुम तो रमीज को पसंद करती हो ना? करती हूँ, नहीं करती थी, लेकिन अब मेरी अम्मी जहाँ मैं रिश्ता करेंगी मैं वहीं शादी करूंगी। जी सुन लिया आपने अली से क्या कह रही है? और अब फोन मत कीजिएगा। तौबा है, जान को आ गई। अम्मी क्या कहा उन्होंने? कैसा लगा आंटी आपको ये? माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है बेटा, बस अल्लाह मेरी बच्ची को बरतना नसीब करे। आमीन। अच्छा तुम बैठो, मैं जरा तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ बेटा। अरे आंटी इसकी क्या तकल्लुफ थी? अरे तकल्लुफ की क्या बात है, लो बेटा जरा रखो। कैसे लगे तुम्हें गिफ्ट्स? सब चीजें बहुत खूबसूरत हैं, मेरी सोच से भी ज्यादा। थैंक यू। मगर तुमसे कम, देखो तुम इतनी खूबसूरत हो, वो लफ्ज ही ईजाद नहीं हुए जो तुम्हारी तारीफ कर सके। और आज से मेरे दिल पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही राज होगा, और तुम्हारे ये गुलाम अपना सर झुकाए मलका आलिया के सामने खड़ा। अच्छा बस भी करो ना। अरे ये ट्राई करके तो दिखाओ मुझे। हाँ क्यूट है ना? कैसा लग रहा? ब्यूटीफुल। सब चीजें बहुत प्यारी मुझे। रमीज बेटा ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? ऑफिस जाना, खाना पीना सब खत्म किए बैठे हो, और वहां वो लड़की शादी करके रुखसत होकर जा चुकी है। और जानते हो किसके साथ? किसके साथ? तुम्हारे दोस्त शारिक के साथ। व्हाट, ये आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूं मैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आज आखिरी बार तुम्हारी आंखों में आंसू आए होंगे। जिस लड़की ने तुम्हारी कदर नहीं की उसके लिए खुद को तकलीफ देना दानिशमंदी नहीं है रमीज, वो तो तुम्हें इस तरह तकलीफ में देखकर खुश होगी, लेकिन मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारे दुख दर्द की साथी। तुम अपनी माँ की खुशी की खातिर खुश नहीं रह सकते। बस यूं समझो कि वो लड़की तुम्हारे काबिल थी ही नहीं। अम्मी आप ठीक कह रही हैं। मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद इन आंखों में आंसू नहीं आएंगे। शाबाश, तुम देखना अल्लाह तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां देगा इंशाल्लाह। चलो शाबाश, उठो और फ्रेश हो जाओ। हम्म, बॉस की बेटी से शादी हो रही है उसकी, इकलौती बेटी है, ढेर सारा जहेज लेकर आएगी वो। अरे अम्मी ऐसे कौन करता है शादी, लड़की जरूर माजूर या बदसूरत होगी, तभी तो बॉस ने दौलत के बदले रिश्ता दे दिया। शारिक की कॉल आ रही है, एक मिनट मेरे बगैर नहीं रह सकता, लेने आ रहा होगा मुझे। हेलो क्या हुआ, अभी तुम आई और तुमने फौरन फोन घुमा दिया। हेलो अलीजे, हाँ एक काम करो तुम अपनी अम्मी के घर पे ही रहना, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ एक अर्जेंट काम से। अरे तो मैं भी चलती हूँ ना साथ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा फोन बंद हो जाएगा मैं तुमसे खुद ही कॉन्टेक्ट करूंगा, बिल्कुल कॉल नहीं करना। ओके टेक केयर, बाय बाय। लेकिन हेलो शारिक, हेलो 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 क्या हुआ अली से? अम्मी शारिक पता नहीं क्या हुआ, घबराया हुआ था बहुत,
और कह रहा था इस्लामाबाद जा रहा हूँ, नंबर बंद रहेगा। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया, कैसे कॉन्टेक्ट करूँ। अरे बेटा क्यों रो रही हो ऐसे, चुप हो जाओ, तो कमबख्त हमें धोखा देके चला गया, तो हमारी बदकिस्मती कि हम उसके दिखावे में आ गए, उसकी बातों में आ गए। बेटा मत रो मेरी बच्ची, चुप हो जाओ, कमबख्त मनोज गारत हो। अरे अच्छी तरह तलाशी लो कमरों की, क्या कर रहे हैं आप लोग, इस तरह कैसे घर में घुस आए हमारे। बीबी अभी पता लग जाता है सब। क्या हो रहा है ये सब बताइए मुझे। नहीं है सर। शारिक कहाँ है? हमें नहीं पता कहाँ है। ये शारिक की बीवी है ना? जी। तो इसको तो सब पता है कि शारिक कहाँ है, बताओ कहाँ है शारिक। देखिए अम्मी ने बताया ना, हमें कुछ नहीं पता। किसे बेवकूफ बना रही है, तुम्हारा शौहर है और तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है। सब पता चल जाएगा, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। ऐसे कैसे आप मेरी बेटी को ले जा सकते हैं। इसके शौहर के खिलाफ सीरियस इंक्वायरी चल रही है और वो फ्रॉड के केस में मफरूर है, हमें उसकी तलाश है। मेरा यकीन कीजिए सर, मुझे वाकई कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। चलो फिर हमारे साथ थाने चलकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाओ, सब पता चल जाएगा। अरे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं आप मेरी बेटी को, हमारी भी कोई इज्जत है मोहल्ले में, क्या कहेंगे वो लोग सब। ये आपको अब याद आ रहा है कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, जब शारिक से आपने इसकी शादी करवाई तब आपको इस बात का ख्याल नहीं आया कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। चलिए बीबी आप हमें मजबूर ना करें। मेरे बच्चे प्लीज। अम्मी चलिए। जी आप कौन? आपने बताया नहीं आप कौन। रमीज, रमीज यहाँ आइएगा। क्या बात है? पता नहीं कौन आ गया है, कोई जरूरतमंद लग रहा है मुझे, कुछ दे दे इसे। तुम? ये क्या हालत बना रखी है अपनी? अपनी इस हालत के जिम्मेदार मैं खुद हूं। मैंने तुम्हें ठुकराया था तुमसे बेहतर के लिए, इसीलिए शायद अल्लाह ने आज मुझे बदहाल कर दिया, और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम्हारी अम्मी, अम्मी कहाँ है तुम्हारी? अम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती है, अब्बा की पेंशन के सारे पैसे उनकी दवाइयों में ही लग जाते हैं। नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि मेरा गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है। मुझे अफसोस है। खैर ये कुछ पैसे रख लो, काम आएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सिर्फ तुम्हारी माफी चाहिए रमीज, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ गलत किया था, तुम्हें ठुकराया था। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन नूर मेरी जिंदगी में आई थी। नूर तो मेरे सबर का फल है, काश तुम दौलत के लालच में मुझे ना ठुकराती तो आज ये हालत ना होती तुम्हारी। जो तुम्हारे पास था
तुमने उसे गवा दिया और जिसे हासिल किया वो अब तुम्हारे पास नहीं है और अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है और माफी मुझसे नहीं मांगो, माफी मांगनी है तो अल्लाह से मांगो, वो बेहतर माफ करने वाला है। मुझे माफ कर दे या अल्लाह, मैं तेरी गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दे या अल्लाह, तू ही माफ करने वाला, तू ही सबसे बड़ा माफ करने वाला है, मुझे माफ कर दे।